corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, conflict, environment, gender, development, corruption. Brooklyn is a completely settlement community. I would say completely migrant settlement community for the past many years. Huge numbers of migrant workers from UP, Bihar, and even from Bangladesh stay in this community. There is huge problem of education for children, livelihood, and human rights violation in this community. And what the government does at its best is neglect. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से स्कूल 3 किलोमीटर दूर पर है और बच्चे यहाँ से स्कूल जा नहीं पाते हैं क्योंकि गाड़ी घोड़ा का परेशानी है और जबकि अभी गवर्नमेंट भी कॉल कर रहा है कि 1 किलोमीटर पर दूरी पर स्कूल होना चाहिए लेकिन यहाँ ऐसी कोई स्कूल नहीं है। और बच्चा पढ़ना चाहते हैं मगर स्कूल का हालत आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बच्चा पढ़ेगा और दूरी में तो पढ़ नहीं सकते हैं जो उनके पास उतना क्लियर नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं इसी स्कूल में 4 क्लास पास किए हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर में कुछ दूरी में स्कूल है। हम अपने बच्चे को भेज नहीं सकते हैं कि रास्ते में खतरनाक हो। यहाँ पे तो गाड़ी जो देख रहे जला हुआ है इसलिए कि एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है। 14 साल का लड़का था और वो स्कूल जा रहा था और ये काफ़ी यहाँ पे हो चुका है। सिर्फ ट्रैफिक का प्रॉब्लम है यहाँ पे ट्रैफिक कोई सिस्टम नहीं है इसीलिए ये पहला बार किया था 5 बार यहाँ पे स्पॉट डेट का। इट्स अ शेम दैट इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट मेक इट इजियर फॉर दीज किड्स टू ट्रैवल फार टू स्टडी। नाउ वी नो दैट एवरी टाइम अ किड स्टेप्स ऑन टू दिस डेंजरस स्ट्रीट देयर लाइफ इज एट रिस्क। जस्ट until yesterday a 14 year old boy was killed on this road being run over by these 16 wheel heavy trucks of government negligence. This is Zafar Khan for Video Volunteers. Thank you.